कहाँ है, क्या है, किस तरह से हम इंट्रोगेशन लोग चल रहा उसको है। अमल में लाएंगे देखिए अभी तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने, क्या कहते हैं इसको? इस संबंध में यहां से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहां जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को सर, अंदाजा था कि ये मध्य प्रदेश में हो सकता है? इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में और कैसे वहाँ गए हैं ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है क्या? उसमें कुछ सुराग मिले हैं अब तक, उनकी इनके गिरफ्तारी जितने हुई भी अन्य साथी बचे हुए हैं है? जी सर, जिस जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर लेते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहां पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी पे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं हम लोग भी पकड़ते हैं, मलाल की कोई बात नहीं है। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया, अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की नामी राशि है सर, ये मध्य प्रदेश पुलिस को जाएगी अब? ये चीज़ें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे करना उचित नहीं है। जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे। तो प्रशांत कुमार रेड्डी जी, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आप बात सुन रहे थे। पूरी प्रक्रिया की जाएगी, जो जानकारी वहां से आई है उसमें यही बताया गया है कि रिमांड लेने के लिए यूपीएसटीएफ उज्जैन रवाना हो चुकी है, रिमांड लेकर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की जानकारी वो देते हुए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर आज ही उसके गुर्गे का एनकाउंटर हुआ शिवेन। और ऐसे में यूपी पुलिस के एडीजी अब सामने आते हैं, बीते दिन की भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था जिसने हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद किया है उस पर हमारी नजर है, लेकिन यहां कुछ हो पाता इससे पहले